दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको दुनिया की तीन सबसे एक्सपेंसिव मूवी के बारे में बताया था, लेकिन क्या आपको पता है इंडिया की टॉप थ्री एक्सपेंसिव मूवी कौन सी है? चलिए मैं बताता हूँ। नंबर थ्री, 2018 में रिलीज हुई यशराज फिल्म की ये मूवी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है। ये मूवी इंडिया की टॉप थ्री एक्सपेंसिव मूवी में तीसरे नंबर पर आती है। इस मूवी को बनने में 310 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इस मूवी के इतना महंगे होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि इसमें अमिताभ बच्चन, आमिर खान और कैटरीना कैफ जैसे बड़े एक्टर्स को कास्ट किया गया है, और दूसरा कारण ये है कि इसको पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी की तरह पानी में शूट किया गया था। नंबर टू, 2019 में रिलीज हुई साउथ के सुपरस्टार और बाहुबली के मेन कैरेक्टर प्रभास की मूवी इंडिया की दूसरी सबसे ज्यादा बजट वाली मूवी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूँ साहू मूवी की। इस मूवी को बनाने में 350 करोड़ का खर्च आया था, और हिंदी में रिलीज होने के बाद इस मूवी ने एक हफ्ते में 116 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और दोस्तों इंडिया की टॉप वन पे जो मूवी है उसका नाम 2.0 है, और कुछ लोग इसे 2.0 भी कहते हैं। इसके इतने एक्सपेंसिव होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि इसमें इंडिया से बड़े एक्टर को कास्ट किया गया था, और दूसरा इसमें CGI ग्राफिक्स पर बहुत खर्च किया गया था। दोस्तों इन तीनों मूवीज में से कौन सी मूवी आपको अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।